हरे कृष्ण, मैं हूँ ज्योत्साचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, आपका लक गुरु। अभी ये चर्चा में आ रहा है कि 25 जून से पृथ्वी पुत्र मंगल वक्री हो गया है, तो जब मंगल वक्री होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यक्ति को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और वक्री का क्या प्रभाव होता है, इस पर हम आपसे बात करेंगे। ये उच्च की राशि पर वक्री है और जिस नक्षत्र पर वक्री है वह नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। कर्क राशि है तो कर्क राशि जल तत्व है, तो एक जल तत्व हो गया, एक भूमि तत्व हो गया और मंगल अग्नि तत्व का स्वामी है। तो जब तीन तत्व मिल गए तो तीनों तत्वों में इससे क्या होता है कि प्राकृतिक प्रकोप बढ़ता है, प्राकृतिक घटनाएं बढ़ती हैं और अतिशय वृष्टि, अतिशय सूखा और दुर्घटना इत्यादि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आग्नेय शास्त्र से खतरा बढ़ जाता है, भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अतिशय वृष्टि, अतिशय सूखा, इन सबों को लेकर के प्रकृति में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज लगाती है। ये निगेटिव जो मंगल है इसका प्रभाव पड़ता है। मंगल कहाँ है, मकर राशि पर। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि मानी जाती है, तो जब कोई भी ग्रह अगर उच्च की राशि पर और मंगल अगर वक्री होता है तो उसकी वक्रत्व का बढ़ जाता है और नेगेटिव डायरेक्शन में फल देने लगता है। मंगल किस चीज़ का स्वामी है, मंगल को पृथ्वी पुत्र कहते हैं, तो ये पूरी भूमि का हो गया। दूसरा इससे देखा जाता है कि यह सेना का स्वामी है, सेना मंगल, मंगल भूमि सेना और आपका जो पुलिस का होता है तो इसका जो नेतृत्व करते हैं पुलिस और सेना, अगर जिनका मंगल स्ट्रांग है ऐसे लोग जाते हैं सेना में और पुलिस में, तो ये इसको पृथ्वी पुत्र ग्रहों का सेनापति कहते हैं। तो ये किसी न किसी प्रकार की जो भी घटनाएं होंगी उसमें भारत को ही विजय श्री दिलाएगा और आग्नेय शास्त्र की थोड़ी घटनाएँ हो सकती हैं जिसमें विजय मिलेगा। समुद्र में या समुद्री दुर्घटनाएं हो सकती हैं, आकाशीय दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जैसे विमान दुर्घटना हो सकता है, समुद्री जैसे जलीय दुर्घटना हो सकती है, इस तरह की संभावनाओं को ये बनाता है। इसके लिए उपाय कर सकते हैं, इसमें आपको तीन चार चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये ध्यान रखना है कि अपने आय और व्यय पर सामंजस्य स्थापित करना है और ये हेल्थ को भी प्रभावित करता है। अगर मान लो आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई व्यक्ति थोड़ा हेल्दी है, तो उसको थोड़ा हड्डी की प्रॉब्लम हो सकती है, जो जहाँ से ज्वाइंट पेन होते हैं वो बढ़ सकता है और ये रोग को का कारक होता है, तो दुर्घटना इत्यादि कराता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि हनुमान जी की पूजा कर लें, मंगल ग्रह का मंगल का मंत्र जप लें, इससे आपको लाभ मिलेगा और अपने भार के बराबर अगर आप अन्न पाचन दान करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आइए बात करते हैं आज के पंचांग की कि आज कौन सा नक्षत्र है, कौन सी तिथि है, आप क्या करें, किस दिशा की यात्रा करें, आइए उस पर बात करते हैं। तो आज है 5 जुलाई सन 2018, सप्तमी तिथि है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और आज कृष्ण पक्ष है, दिन गुरुवार है, चंद्रमा रहेगा मीन राशि में, 11:57 से लेके 12:54 अपराह्न काल तक रहेगा। राहु काल है आपका 2:09 से लेकर के 15:54 सायंकाल तक और आज दक्षिण दिशा का दिशाशूल है, यात्रा करने से परहेज करें। अभी आपने जाना आज का पंचांग, अब हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों की कि आज जिनका जन्मदिन है उनकी वर्ष कैसा रहेगा, उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उनको क्या उपाय करने चाहिए और अपने वर्ष को कैसे ठीक करें ताकि उनकी दिनचर्या ठीक हो और उनके लिए प्रगति का कारक बने। तो आइए बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है, तो जिनका जन्मदिन है उनके लिए हैप्पी बर्थडे। आज है 5 जुलाई, तो जो 5 जुलाई के जन्मे जातक होते हैं आज आपका जन्मदिन है, तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप प्रगति करें, उन्नति के पथ पर जाएं, हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका जन्मदिन बहुत बहुत मंगलमय हो। अब बात करते हैं आज के जन्मे जातकों के बारे में कि इनका भविष्य कैसा होगा, ये क्या करें, कौन सा उपाय करें, आइए बात करते हैं। तो आज है तारीख 5 तारीख का मतलब हो गया 5 तारीख, 14 तारीख और आपका हो गया 23 तारीख, तो इनको अगर जोड़ दिया जाए तो 1+4=5, 2+3=5, तो 5 हो गया। तो 5 जो जातक होते हैं ऐसे जातक बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं और अपने वर्क के प्रति समर्पित होते हैं और स्वभाव से ये बहुत ही थोड़ा सा जिद्दी होते हैं, जुनूनी होते हैं और जो इनके मन में आता है वही करते हैं। इनका जो सामाजिक स्तर होता है
बहुत ही अच्छा होता है। इनके अंदर आत्मसम्मान कूट कूट के भरा होता है और ये अपने आत्मसम्मान के लिए सतर्क भी रहते हैं। समाज को आगे बढ़ाने में इनकी बहुत अहम भूमिका होती है और ये अपने को कैसे रखा जाए इनको अच्छे से आता है और अपने उसके आत्मसम्मान के लिए बहुत ही कॉन्शस रहते हैं, सतर्क रहते हैं। आइए अब जानते हैं इनका वर्ष कैसा होगा। तो आज जो जातक जन्म लिए हैं उनका वर्ष बहुत ही अच्छा होगा। तो यह जो वर्ष है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें आपको क्या करना है कि यह वर्ष एक तो निर्माण कार्य कराने के लिए यह समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है और आपका संघर्ष तो होगा लेकिन संघर्ष के साथ जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। और आज यह वर्ष आपके लिए पदोन्नति के, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए बहुत सारी संभावनाएं जो आप कर सकते हैं। आपके घर में नए मेहमान के भी आगमन की संभावनाएं बन रही हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। ये रहा आज आपका वर्ष भर कैसा करेंगे। अब आइए हम बात करते हैं कि इस वर्ष आपको सावधानी क्या करनी है। तो सावधानी आपको ये बरतनी है कि आप टास्क ओरिएंटेड होकर अगर कार्य करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, किंतु आलस्य के नाते आपके बहुत सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। तो आज आलस्य आपको नहीं करना है, आलस्य का परित्याग करना है। और आज आप साल भर करें क्या जिससे आपको अच्छा रहे, जिससे आपका वर्ष पूरा बढ़िया रहे, स्मूथ रहे, उसके लिए आप क्या करें कि किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, जो ज़रूरतमंद है, उनको भोजन करावें और असहाय व्यक्ति को अगर आप पुस्तक देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये आपने जाना आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में कैसा रहेगा उनका, इसके बारे में मैंने बताया। अब हम बात करेंगे प्रथम तीन राशियों के बारे में, मेष, वृष, मिथुन। तो बात करते हैं प्रथम राशि मेष राशि की। तो जो मेष राशि के जातक हैं आज आपको साहित्य के लेखन से, साहित्य के क्षेत्र से अच्छा लाभ मिलेगा। जब लेखन कार्य करते हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी, रचनात्मक कार्य करेंगे। परिवार में शुभ कार्य की भी संभावना बन रही है और गृह निर्माण का योग बन रहा है, वाहन का सुख योग बन रहा है, वाहन सुख का, और शत्रु आपके परास्त होंगे। धर्म पत्नी का आज आपको सुख मिलेगा। आपके चौथे भाव में राहु शुक्र बुध बैठा हुआ है, तो जो चौथा भाव होता है यह देखना है कि माता का भाव है, तो घर की जो धुरी होती हैं वो माता होती हैं, तो माता जी के प्रति आज आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है और आज माता का सम्मान करें। और माँ को आज अगर आप कोई बढ़िया उपहार देते हैं तो बढ़िया रहेगा। और जो आपके उसको सुख सुविधा का भी देखते हैं, वृत्ति का भी देखते हैं, तो यदि आपके घर में कोई सेवा करने वाला सेवादार है तो उसका भी ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके ग्रहों में मूलभूत सुधार होगा। और यदि वाहन वगैरह खरीदना चाहते हैं तो वाहन आप खरीद सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो परिवार की जो मुख्य आधार हैं माताजी हैं, तो माताजी को ये ध्यान रखना है कि माँ को कोई कष्ट ना हो, माताजी की संवेदना को ध्यान में रखना है और ये ध्यान रखना है कि माँ का सम्मान होना चाहिए पूरा। किसी भी प्रकार का घर में विवाद होने से आज बचाना है। अब बात करते हैं सावधानी की। तो आज सावधानी आपको क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि कटु भाषा का प्रयोग करने से बचना है। और आज आपको उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि भगवान सूर्य देव की अगर आराधना करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। केसर का तिलक और लाल चावल, रोली इत्यादि से अगर भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंत्र लिख लीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र से जलाभिषेक करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है लाल, आपका लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अभी आपने जाना मेष राशि के बारे में कि इनको क्या उपाय करना चाहिए, क्या लाभ होगा और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर हमने बात की। वृष राशि की तरफ चलते हैं। जो वृष राशि के जातक हैं आज आपकी भावनाओं को थोड़ा नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है। जितना आप अपनी भावना का ध्यान रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज ये ध्यान रखना है कि जो आप योजना बनाएं, जो कार्य करें, वो सोच बड़ी होनी चाहिए। जितनी बड़ी सोच होगी उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। मान सम्मान के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा है, तो मान सम्मान मिलेगा। परिवार को आगे बढ़ाना है उसमें आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा। परिवार में जो भी करेंगे उसमें आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा, आपका योगदान बहुत बड़ा रहेगा। और आज आप जो शत्रु हैं, अज्ञात शत्रु जो बनेंगे, उनसे भी थोड़ा आज आपको बचाव करने की ज़रूरत है। सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि अपनी योजनाओं को, जो आप प्लानिंग करते हैं, जब उसको गुप्त रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि आज हनुमान जी को 11 गुलाब का फूल अर्पित करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और लड्डू चढ़ाते हैं, बूंदी चढ़ा दें, लड्डू चढ़ा दें तो आपके कार्यों में थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और आपके लिए शुभ अंक 5 है, शुभ रंग लाल है और आपका लक मीटर 7 है। हरे कृष्ण।
तो आपने जाना मेष राशि का हाल, वृष राशि का। मैंने बताया कि आपको क्या सावधानी बरतनी है, किसको वाहन सुख मिलेगा, किसको संतान सुख मिलेगा, किसके जीवन में क्या प्रगति होगा, ये सब मैंने बताया। आइए देखते हैं मिथुन राशि के बारे में। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपको बड़े पैमाने पर अप्रत्याशित रूप से लाभ मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं, सफलता मिलेगी। आज आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अपने भाषा का ध्यान रखना है, कोई ऐसी बात नहीं करनी है जो किसी को हर्ट करे, तो कटु भाषा का प्रयोग करने से बचना है। और आप थोड़ा सा स्वभावतः आलसी हैं, तो आज आपको आलस्य का परित्याग करना है। और अपने परिवार के प्रति, जो संतान है और परिवार के प्रति, थोड़ा देख करके आपका मन प्रसन्न रहेगा, क्योंकि उनकी प्रगति होगी, संतान बच्चों की प्रगति को देख के आपके मन में खुशी मिलेगी। और आपकी जो धर्म पत्नी है, जो बेस्ट हाफ हैं, उनसे आज आपको सुख मिलेगा। जो तीसरा भाव है आपका, तीसरा जो आज आपका मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि में आपका सातवें हाउस में शनि है और आपका पंचम में बृहस्पति। तो जब पंचम में बृहस्पति होता है तो क्या करते हैं कि संतान भाव है, तो आपकी संतान अच्छी होगी, संतान को केयर करने की जरूरत है, संतान की टेरिटरी में, बच्चे की टेरिटरी में कोई इस तरह की दखलअंदाजी न करें कि जिससे परिवार में किसी प्रकार की दिक्कत हो। अगर छोटा बच्चा है तो ये ध्यान रखना है कि कहीं इमोशनल उसको दिक्कत ना हो, कहीं डिरेल ना हो और उसकी एकाग्रता कहीं भंग ना हो। तो इसके लिए थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने बच्चे को, अपने संतान को इमोशनल ध्यान रखना है, केयर करना है, क्योंकि बच्चा ही आपकी पूंजी है, तो बच्चे के प्रति बहुत फोकस होने की ज़रूरत है। आइए बात करते हैं सावधानी की। आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपने व्यय पर थोड़ा नियंत्रण करना। अगर इनकम कम है तो उसी इनकम में अगर अपना खर्च करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ज़्यादा अतिशय व्यय ना करें, आपके लिए ठीक रहेगा, व्यय पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उपाय आपको क्या करना है, आज आपको उपाय ये करना है कि किसी भी गौशाला में चले जाएँ या गाय मिल जाए तो गाय को क्या करें कि आज आप हरा मटर खिला दें या हरा चारा खिला दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और गाय को थोड़ा अपने हाथ से अगर सहला देते हैं तो अति सुंदर और अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 3 है, शुभ रंग हरा है और लक मीटर आपका 8 है। हरे कृष्ण। अभी आपने जाना मेष वृष मिथुन राशि का हाल, कैसा रहेगा उनका जीवन, मैंने इनके बारे में बताया। अब हम बात करेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि के बारे में। तो आपने देखा मेष वृष मिथुन राशि के बारे में मैंने बताया किसका भाग्योदय होगा, क्या होगा। इसी श्रृंखला में हम बात करते हैं अगले 3 राशियों की। अगले 3 राशियां हैं कर्क सिंह और कन्या। आइए कर्क राशि के जातकों के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि के जो जातक होते हैं उनका चंद्रमा स्वामी होता है, तो आज आपको सोच समझ करके कार्य करना है, आपको नेगेटिव थॉट में नहीं जाना है। नेगेटिव थॉट से क्या होता है कि आपकी एनर्जी ख़त्म होती है, और आप जो भी कार्य करें प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरीके से यदि करते हैं तो आपको आज बड़ी सफलता मिलने की संभावनाएँ दिख रही हैं। वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है, वाहन खरीद सकते हैं, कोई नया प्लानिंग कर रहे हैं कि आज गाड़ी खरीदना है तो गाड़ी आप खरीद सकते हैं। आपके कुछ विरोधी सक्रिय हो रहे हैं, रोग और शत्रु सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो परास्त होंगे। और आज पत्नी की बात अगर आप माने तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अनावश्यक किसी प्रकार की पत्नी से विवाद करने से आज बचना है। और क्या करना है कि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं तो जितनी आय के स्रोत बढ़ाएंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये दिख रहा है कि आपको कई अनेक स्रोत से आज आपको लाभ मिलेगा। आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि आपको थोड़ा भाषा पर ध्यान रखना है। भाषा ऐसा बोली जो आपको प्रिय लगे वो दूसरों को प्रिय लगे, इसका ध्यान रखना है, तो कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना है। और आलस्य का परित्याग करें, आलस्य आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो अगर परित्याग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि आज आप किसी गौशाला में गाय को अगर आप पूड़ी खिलाते हैं तो बढ़िया रहेगा। आपके लिए जो शुभ अंक है वो 4 है और शुभ रंग सफ़ेद है और आपका जो लक मीटर है वो 9 है। हरे कृष्ण। आपने देखा कर्क राशि के बारे में बताया कि कर्क राशि को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, आपको लाभ कैसे होगा, इस पर मैंने बात की। अब बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो जो सिंह राशि के जातक हैं आज आपके परिवार में शुभ कार्य होने की संभावनाएं बन रही हैं और आपके बच्चे हैं, संतानें हैं, उनकी प्रगति से आपका मन खुश रहेगा, अंदर से आप प्रफुल्लित रहेंगे। जो भी कार्य करेंगे उसमें यश प्रतिष्ठा भी मिलने की संभावना है, धन लाभ हो सकता है और दूर देश की यात्रा भी हो सकती है, आय के स्रोत बढ़ेंगे। आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि खर्चा जो है सोच समझ करके करने की ज़रूरत है और रोग और शत्रु को हल्के में न लें। उपाय आज क्या करना है, उपाय ये करना है कि आज आप भगवान सूर्य देव को
जल चढ़ावें, लाल पुष्प चढ़ावें, केसर अर्पित करें और मंत्र लिख लीजिए। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करें आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए शुभ अंक 5 है, शुभ रंग केसरिया है और लक मीटर आपका 9 है। हरे कृष्ण। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। तो अगली राशि कन्या राशि। तो जो कन्या राशि के जातक हैं इनका स्वामी बुध होता है, तो आप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आपको आज नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। यदि आप रियल इस्टेट में या निर्माण के क्षेत्र में अगर धन इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें आज आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। नया व्यापार खोल सकते हैं, इसकी भी संभावना बन रहा है। आज आपको कई लोगों से जो आपके शुभेच्छु हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, उनसे आपको सहयोग भी प्राप्त होने की संभावना बन रही है और दूर देश की अचानक यात्रा हो सकती है। यात्रा का योग बन रहा है जिससे थोड़ा मन आपका उद्विग्न हो सकता है। और आज क्या करना है, जो आपका कन्या राशि के जातक है, आपके दशम में सूर्य है, तो दशम में सूर्य है मिथुन राशि का, तो सूर्य पिता का कारक होता है। घर का जो मुख्य भूमिका होती है पिता की होती है। तो आज आपको क्या करना है कि पिताजी अगर कुछ भी कहते हैं तो उनकी बात को सुने, उनकी बात को माने। अगर लगता है आपकी निगाह में वो गलत कह रहे हैं फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि पिता अगर कुछ कहते हैं तो उनकी बात को सुने, उनके मार्गदर्शन में चलें, उनके मार्गदर्शन में ही करना अच्छा रहेगा। तो उनकी बात मानेंगे, उनकी राय को लेकर चलेंगे तो आपके प्रगति के मार्ग बढ़ेंगे। और आज आपको पिताजी के लिए क्या करना है कि पिताजी को अगर आप कोई वस्त्र अगर देते हैं खरीद के तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगावें, आलस्य का परित्याग करें, अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आज आपको क्या करना है उपाय, किसी ज़रूरतमंद को, गरीब आदमी को अगर आप खाना खिलाते तो बढ़िया रहेगा, या मंदिर में हरा मटर दान करते तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 5 है और शुभ रंग सी ग्रीन है और आपका लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। तो आपने देखा, हम लोगों ने बात की कर्क सिंह कन्या राशि के बारे में कि इन जातकों का क्या होगा, किसको घर मिलेगा, किसकी पदोन्नति होगी, किसको पिता से लाभ मिलेगा, किसकी सामाजिक दायरा बढ़ेगा, किसको राजनीतिक लाभ मिलेगा, इस पर हमने बात की। अब विशेष श्रृंखला में हम बढ़ते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में, जानते हैं कि इनका क्या भविष्य है। तो आइए बात करते हैं तुला राशि। तो जो तुला राशि के जातक हैं आपके लग्न में बृहस्पति है, तो लग्न में बृहस्पति होने से क्या होता है कि आज आपका सम्मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, आर्थिक लाभ होगा, आज आपको धन खूब मिलेगा और अगर कोई चीज़ आप खोज रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, भाई बहनों का सुख मिलेगा, परिवार में कोई नया कार्य हो सकता है, निर्माण कार्य का भी योग बन रहा है। और यदि आज आप वाहन सुख मिलने की संभावना बन रही है और दूर देश की यात्रा भी हो सकती है, ये सारी संभावनाएं बन रही हैं। अब आपका जो चौथा भाव है केतु मंगल है, तो आज आपको ध्यान रखना है कि किसी भी महिला का अपमान न करें, चाहे माँ हो, बहन हो या दूसरी की किसी की हो। तो आज आप जितना सम्मान करेंगे, महिला के प्रति सम्मान की भावना रखेंगे, उतनी अच्छा रहेगा। बातचीत में किसी के साथ कड़वाहट का व्यवहार न करें और अगर यदि हो सकता है तो मंदिर में या किसी सुहागन को यदि आज आप कोई सुहाग की वस्तु देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि आज आपको आलस्य का परित्याग करना है। उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि आज आपको नीला वस्त्र किसी गरीब महिला को अगर देते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए शुभ अंक 8 है, शुभ रंग नीला है और आपका लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। आपने जाना तुला राशि का हाल, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं इनको थोड़ा आज अपनी भाषा को कंट्रोल करना है, कटु नहीं बोलना। आप किसी से अपनी भाषा तीखा तीखा बोल देते हैं, इससे लोग आपसे नाराज हो जाते हैं। तो आज आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बात से किसी को कष्ट ना हो, इसका थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपका मन उद्विग्न रहता है तो आज आपको भी कोई भी चीज़ करेंगे, प्रयास करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा लाभ मिलेगा। और पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के आपके मन में चिंता हो सकती है, भाग्य आपके अनुकूल है, प्रयास करिए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आज आपको धन लाभ भी मिलने की संभावना बन रही है और नए व्यक्ति से किसी प्रकार का लेन देन करने से थोड़ा आज बचने की ज़रूरत है। आज आपकी यात्रा दूर देश की हो सकती है, विदेश की हो सकती है और अगर आप कोई प्लानिंग बड़े लेवल पर कर रहे हैं तो उसमें आज आपको बड़े पैमाने पर सफलता भी मिलने की संभावना बन रही है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि आज आपको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना है, भाषा को थोड़ा संयमित ढंग से अगर बोलते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। और उपाय क्या करना है, उपाय
यह करना है कि हनुमान जी को चोला चढ़ावें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग मैरून है और आपका लक मीटर 9 है। हरे कृष्ण। अभी आपने जाना तुला और वृश्चिक राशि का हाल, बताया कि किसको भागोदय होगा, कौन विदेश जाएगा, कौन घर बनवाएगा, किसके परिवार में क्या शुभ कार्य होगा। अब बात करते हैं धनुराशि के बारे में। तो धनुराशि के जातक, आज आपको वाणी और गुस्सा, अगर आपको आज अपनी बोली पर और थोड़ा क्रोध पर सोच समझ के चलने की ज़रूरत है, नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। और कई बार क्या होता है कि अति आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाता है, तो इसको आज आपको ध्यान रखना है कि अति आत्मविश्वास कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो थोड़ा सा अपने को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। और अपने समय का जब सदुपयोग करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो बात आपको खराब लगता है, उस तरह का व्यवहार या बात दूसरों के साथ एकदम ना करें, परहेज करने की ज़रूरत है। और भूमि खरीद सकते हैं, उसका योग बन रहा है और आय के साधन में वृद्धि भी होगी। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास धनागम कैसे होगा, उसके तरीके बढ़ेंगे, नया व्यापार कर सकते हैं, जिससे आज थोड़ा मन आपका प्रसन्न रहेगा। आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि अपने भी सेहत पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उपाय क्या करना है, आपको उपाय ये करना है कि गौशाला में जाके और गाय को अपने हाथ से अगर रोटी खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके लिए क्या करें कि लकी जो आपके लिए शुभ अंक है वो 5 है और शुभ रंग केसरिया है और आपका लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। तो आइए आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताते हैं, गुरु के नुस्खे। आज आपको उपाय बताएंगे कि अगर कोई परेशानी है तो उसको कैसे निजात पाया जाए। तो आइए बताते हैं। यदि आपके घर में आपका बच्चा पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, वो अति चिड़चिड़ा हो गया है, एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है और उसकी चंचलता बहुत बढ़ गई है और आप उसको ले करके परेशान हैं, तो क्या करें इसके लिए, बच्चे को क्या करें इसके लिए। अगर आप परेशान हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें कि छोटा सा उपाय कर लें। छोटा सा उपाय क्या करें कि चने का दाल आप भिगो लें और चने के दाल को ले जा करके मंदिर में बच्चे के हाथ से दान करा दें, तो इसकी चंचलता में कमी आएगी, उसका पढ़ाई में मन लगेगा और उत्तरोत्तर विकास होगा। हरे कृष्ण। हमने बात की तुला वृश्चिक और धनुराशि के बारे में, बताया कि इनका कैसा भाग्य होगा, किसकी पदोन्नति होगी, किसको क्या लाभ मिलेगा, इस पर हमने डिटेल बात की। गुरु के नुस्खे भी बताया कि गुरु के नुस्खे में आज आप क्या टिप्स दें, क्या उपाय करें जिससे आपके बच्चे की एकाग्रता बढ़े, पढ़ाई में मन लगे, उसके लिए भी बताया। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में अंतिम तीन राशियों के बारे में। तो अंतिम तीन राशियाँ हैं मकर, कुंभ और मीन। तो आइए बात करते हैं मकर राशि के बारे में। तो जो मकर राशि के आप जातक हैं, आज आप जो योजनाएं बनाएंगे उसमें आज आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगा। और थोड़ा आपको सावधानी भी बरतनी है, गुस्से पर नियंत्रण रखना है, गुस्सा नहीं करना है और अति आत्मविश्वास में कहीं काम न बिगड़ जाए, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। और गुप्त जो शत्रु हैं आपकी, उनकी संख्या बढ़ सकती है, तो उससे थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंता की स्थिति हो सकती है, उस पर भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दूर देश की यात्रा भी हो सकती है और यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। और आय से अधिक व्यय को लेकर के आपके मन में थोड़ी चिंता की स्थिति हो सकती है, सावधानी क्या बरतनी है आज आपको, सावधानी के अपने खर्च पर नियंत्रण करना है। और आज आपको उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि गौशाला में गाय को अपने हाथ से रोटी गुड़ खिलाइए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और आज आपके लिए शुभ अंक 4 है, शुभ रंग नीला है और आपका लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। तो आपने देखा मकर राशि के बारे में, बताया कि इनको गुस्से पर कैसे नियंत्रण रखना है और अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाएं, उस पर हमने आपको सलाह दिया। अब बात करते हैं कुंभ राशि के। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपको गृह निर्माण का अवसर मिल सकता है, जो आपकी बहुत दिनों से चिर प्रतीक्षित हो, गृह निर्माण करा सकते हैं, उसके लिए अच्छा समय चल रहा है। और आज थोड़ा आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैसे अपने को चैनलाइज करें, अपनी एनर्जी को, और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके कुछ भी बड़ा काम कर सकते हैं, ध्यान रखना। दूसरा ये ध्यान रख सकते हैं कि जैसे जमीन है, भवन है, वाहन है, ये आदमी की बड़ी बहुत ही प्रायोरिटी में रहता है कि हम घर बनवाएंगे, हम गाड़ी खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, ये लोगों की ड्रीम होती है, सपने होते हैं, तो उसके अवसर बहुत बढ़िया चल रहा है, उस अवसर का आप लाभ उठा सकते हैं, आपके लिए बढ़िया समय चल रहा है। और आज आपको उपाय क्या करना है,
आज आपको उपाय ये करना है कि सरसों के तेल का दीपक जलाइए, बहुत अच्छा रहेगा। प्रत्येक शनिवार को घर में पीपल के वृक्ष के नीचे अगर जलाते हैं तो ये भी आपके लिए ठीक रहेगा, और सरसों के तेल का दीपक घर पर भी शाम को जला दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपके घर में कोई इस तरह का व्यक्ति है जो कमज़ोर है, परेशान है, असहाय है, तो अगर आज उसको वस्त्र देते तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग हरा है, और आपका लक मीटर 7 है। हरे कृष्ण। तो आपने जाना मकर और कुंभ राशि के बारे में, बताया कि किसको घर मिलेगा, किसको पदोन्नत मिलेगी, किसके घर में सुख सुविधा होगी, कौन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। आइए बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि के जो जातक हैं, यह समय उनका उतार चढ़ाव का चल रहा, आपके सामने चुनौती है। तो अगर आप योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके अगर यदि कार्य करते हैं तो आज आपको बड़ी सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। अगर रोजगार के क्षेत्र में, रोजी के क्षेत्र में या नए तरीके के कार्य योजना में अगर लग रहे हैं कि आज हमको रोजगार मिल जाए या नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उसमें आज आपको नौकरी मिलने की संभावना है। पत्नी का सुख मिलेगा, रुका हुआ कार्य आपका संपन्न होगा। और आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो मीन राशि है, जो गोचर में चौथे भाव में सूर्य जो माता का भाव है और दशम भाव में धनु का शनि, तो सूर्य शनि आमने सामने, तो आमने सामने तो दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी, पिता पुत्र में विरोध होता है। तो इससे ये ध्यान रखना है कि इस ग्रह के प्रभाव से आपको अपने पिता से और पुत्र से वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके घोर शत्रु हैं, नहीं, वो आपके भले के लिए कहते हैं और आपको लगता है कि मेरे लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो इसमें वैचारिक मतभेद हो सकता है, पिता नामक संस्था से मतभेद नहीं हो सकता। तो आज पिता पुत्र दोनों को ये समझने की ज़रूरत है कि अपनी वैचारिक मतभेद भुला करके आपस में प्रेम से और दोनों का टास्क और टारगेट एक होना चाहिए, जिससे घर परिवार में वृद्धि होती है। सोच के अगर करते हैं तो आज आपका समय सदुपयोग हो जाएगा और आगे बढ़ने में आपका सहयोग होगा, और आपके परिवार में, समाज में जो भी होगा एक मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि आज अपने आलस्य का परित्याग करें, क्योंकि आलस्य आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और अपना जो समय है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक सही दिशा में लगावें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि चने का दाल मंदिर में अगर दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लकी अंक आपका जो लकी है, शुभ अंक 9 है, और शुभ रंग केसरिया है, और आपका जो लक मीटर है वो 8 है। हमने बताया आज के पंचांग के बारे में, और आज बकरी मंगल हुआ है जो 25 जून से लेकर के 25 अगस्त तक रहेगा। इसके बारे में मैंने बताया कि मंगल का, बकरी मंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा और राशियों पर इसका क्या प्रभाव, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी, गुरु के नुस्खे भी बताए, और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का।